दोस्तों आज के समय में जितनी भी हार्मोनल प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, थायराइड की प्रॉब्लम उनमें सबसे ज्यादा है और इस समस्या के कारण अक्सर लोगों का वजन अचानक घटने या बढ़ने लग जाता है और इसके अलावा अनेक तरह की प्रॉब्लम उनकी लाइफ से हमेशा के लिए जुड़ जाती है, जैसे कि जल्दी थकान आ जाना, सांस फूल जाना, जल्दी स्ट्रेस ले लेना, ताकत में कमी आ जाना, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, बालों का झड़ना और आंतों में खराबी जैसी समस्या थायराइड से ग्रसित लोगों के अंदर देखी जाती है। पर ऐसा जरूरी भी नहीं कि हर थायराइड के मरीज को यह सारी की सारी समस्याएं हों। दोस्तों थायराइड एक बहुत ही जिद्दी बीमारी है जिसको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए अक्सर इसे जड़ से खत्म करने में बहुत टाइम लग जाता है और डॉक्टर के द्वारा लिए जाने वाले ट्रीटमेंट से कई बार थायराइड कंट्रोल तो हो जाता है पर खत्म नहीं होता और यही वजह होती है कि कई बार दवाइयों का सेवन उम्र भर तक करना पड़ जाता है। थायराइड की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें दवाइयों के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इसे ठीक होने में गति प्रदान हो। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे असरदार नुस्खे जिसकी मदद से आप थायराइड की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। हमारे शरीर में पाई जाने वाली थायराइड की ग्लैंड यानी कि थायराइड की ग्रंथि के अनुचित व्यवहार करने के कारण होती है। यह ग्रंथि एक तितली के समान आकृति की होती है जो कि हमारे गले के आगे वाले हिस्से पर होती है और हमारी सांस लेने वाली नली को राइट और लेफ्ट से कवर किए होती है। दोस्तों ये होती तो बहुत छोटी है पर यह हमारे शरीर में हार्मोन्स के वितरण करने का एक मुख्य स्रोत है जिससे हमारे पूरे शरीर पर असर पड़ता है। थायराइड की ग्रंथि से T3 और T4 नामक हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के खून में जाकर मिलते हैं और हमारे शरीर की ग्रोथ यानी कि विकास और एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी कि ऊर्जा पचाने का कार्य करते हैं, जिसमें अगर गड़बड़ी हो जाती है तो हमारे शरीर का वजन एकदम से घटने और एकदम से बढ़ने लगता है और साथ ही अन्य कई तरह की समस्या होने लगती है। दोस्तों थायराइड की बीमारी 3 प्रकार की होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड की ग्रंथि में किसी तरह की सूजन या फिर इन्फेक्शन। दोस्तों आज हम नुस्खे जानेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या के लिए। यह समस्या तब होती है जब हमारे थायराइड की ग्रंथि हमारे शरीर को उतनी मात्रा में हार्मोन्स प्रदान नहीं करे जितनी कि हमारे शरीर को होती है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर का वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और साथ ही हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ साथ बालों का झड़ना भी शुरू होने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन है और चूंकि ये बहुत ही जिद्दी बीमारी है इसलिए हमें इसे हर तरफ से नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करना होगा। इसके लिए 4 मुख्य उपाय है जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक नुस्खे, योग और एक्सरसाइज और कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियां जो थायराइड के पेशेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म के लिए 4 उपाय ही बहुत ज्यादा आवश्यक है और अगर आप इन 4 को अच्छी तरह 1 महीने भी फॉलो करेंगे तो विश्वास माने 1 महीने के अंदर ही चाहे कितनी भी पुरानी थायराइड की प्रॉब्लम हो आप उसको जड़ से मिटा सकते हैं और अपने थायराइड लेवल को वापस नॉर्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं घरेलू नुस्खों की। पहला नुस्खा जो है वह है धनिया के पानी का। इसे बनाने के लिए आप चाहे तो धनिया के पाउडर को भी ले सकते हैं या फिर साबुत धनिया भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको 4 से 5 चम्मच धनिया को 1 लीटर पानी के अंदर डालकर उसे अच्छे से बॉईल करना है और इसे तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा ना हो जाए। इस तरह से पानी का कलर चेंज हो जाएगा और ये ड्रिंक तैयार हो जाएगी। फिर इस ड्रिंक को आपको रोज सुबह खाली पेट पीना है। इस ड्रिंक को पीने से थायराइड की प्रॉब्लम में तेजी से सुधार आता है और घरेलू इलाज में यह सबसे ज्यादा कारगर है। इसके अलावा आप एक चूर्ण तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत होगी दालचीनी के पाउडर की, अजवाइन के पाउडर की और मेथी दाने के पाउडर की। इन तीनों पाउडर को आपको आपस में मिक्स करना है और इसका सेवन आपको रोज खाने से पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ मिक्स कर लेना है। यह चूर्ण भी थायराइड की समस्या के लिए एक कारगर इलाज है। इसके अलावा नारियल का तेल भी थायराइड में बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आप चाहें तो खाने वाले नारियल के तेल को रोजाना 1 टाइम गर्म दूध में 1 चम्मच मिलाकर पी सकते हैं और साथ ही भोजन में भी नारियल के तेल को डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को भी थायराइड की समस्या है उन्हें नारियल के तेल का सेवन रोजाना करना ही चाहिए। इसके अलावा एक चीज और है जो थायराइड की समस्या में बहुत ही ज्यादा असरदार है, वह है एप्पल विनेगर यानी कि सेब का सिरका। यह आपको किसी भी ग्रोसरी यानी कि किराने की शॉप पर मिल जाएगा या फिर सुपरमार्केट में मिल जाएगा। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच एप्पल विनेगर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से थायराइड की समस्या में सुधार आता है और साथ ही यह हमारे वजन को कम करने के लिए भी बहुत कारगर है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है कांचनार गुग्गुल। दोस्तों यह एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है जो कि
की किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या फिर पतंजलि के स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए जिन वेबसाइट पर यह मौजूद है उसके लिए वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। अगर आपको ये साबुत नहीं मिलती है तो आप इसे टेबलेट या गोली के फॉर्म में भी ले सकते हैं। रोज शाम को या फिर दिन में खाना खाने के बाद इसका सेवन करने से थायराइड की बीमारी में तेजी से सुधार आता है। इसके अलावा आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा विशेषकर हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत अधिक लाभकारी होता है क्योंकि यह हमारे शरीर में हार्मोन्स की वृद्धि करता है। अश्वगंधा का चूर्ण या फिर इसकी साबुत जड़ आपको किसी भी पतंजलि के स्टोर पर या फिर आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा आयुर्वेदिक नुस्खा है वो है हरड़ का पाउडर। हरड़ का पाउडर भी आपको किसी भी आयुर्वेदिक या पतंजलि के स्टोर पर मिल जाएगा। इसका सेवन आप रोज गुनगुने पानी के साथ सुबह या शाम कर सकते हैं। इससे भी थायराइड की समस्या में बहुत जल्दी निजात मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं योग की। थायराइड की समस्या थायराइड की ग्रंथि के ठीक तरह से कार्य नहीं करने के कारण होती है। इसलिए इसे वापस ठीक तरह से कार्य करवाने के लिए जो सबसे ज्यादा असरदार चीज है वह है केवल योग, जो कि बहुत ही आसान है और आप इसे कहीं भी बैठकर आसानी से कर सकते हैं। यह एक प्राणायाम है जिसे उज्जयी प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको अपने गले को अंदर दबाते हुए शरीर के अंदर गहरी सांस खींचना होती है और ऐसा करते समय आपके गले से एक आवाज बाहर निकलती है। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा सांस अपने अंदर भरकर उतनी देर तक रोके जितनी ज्यादा देर तक आप रोक सकते हैं। और उसके बाद हमें हमारे नाक के राइट वाले छिद्र को बंद कर लेफ्ट वाले छिद्र से सांस को छोड़ना है। इस प्राणायाम का सही तरीका जानने के लिए और इसे और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो की लिंक पर क्लिक करें। जिन लोगों को भी थायराइड की समस्या है अगर वो एक महीने तक लगातार इस प्राणायाम को करते हैं तो संभावना होती है कि एक महीने के अंदर ही उनके थायराइड की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ये बहुत ही असरदार और आसान इलाज है इसलिए इसे जरूर करें। दोस्तों चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थायराइड के विषय में आगे भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियों के बारे में जिनका उन लोगों को जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और उन सावधानियों को बरतने से थायराइड की प्रॉब्लम को बहुत तेजी से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके जीवन में कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब।